Hello and welcome back to my channel. Today's video is all about get ready with me, and this is the first time I am filming this type of video. So actually I'm going for hangout with my friends, so let's quickly get ready. Okay, so since I'm going for hangout with my friends, maine hair wash already kar liya hai. So maine hair wash kiya hai with Origine Naturespired Shampoo. It is for intense hair fall control, and ye onion oil and rose shampoo hai. It is free from parabens, sulfates and silicones. Also, it is GMO free, cruelty free, silicone free, salt free, 100% vegan. मैं कुछ टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लाइक अनियन एक्सट्रैक्ट, सैंडलवुड ऑयल, रोज़ वाटर, काफ़ी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं सो वो हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं. ऑल्सो इनके जो ये प्रोडक्ट्स रहते हैं, दे प्लांट ट्रीज वेन एवर यू बाय एनी प्रोडक्ट फ्रॉम दैम, सो इट्स ऑल्सो अ प्लस पॉइंट. क्वालिटी अच्छी है शैम्पू की. ऑल्सो इसके अंदर किसी भी तरह की आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस भी नहीं डाली गई है, सो ये हमारे हेयर को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा. इनफैक्ट इट्स वेरी गुड फॉर आवर हेयर. सो अगर आपको भी हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, देन आई वुड से कि आपको इस शैम्पू को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बिकॉज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. हेयर फॉल काफ़ी हद तक इससे रिड्यूस हो गया है. सो लिंक जो है इनका जो वेबसाइट का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी. सो डू चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ से आप इस प्रोडक्ट को एंड अलॉन्ग विद दिस आप इनके सभी प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं. ओके, सो हेयर वॉश तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, एंड नाउ बिफोर गेटिंग रेडी आई थिंक आई शुड वॉश माय फेस, बिकॉज थोड़ा सा चिपचिप सा लग रहा है, समर टाइम है. सो एक बार मैं फेस वॉश कर लेती हूँ. सो फॉर फेस वॉश आई विल बी यूजिंग ओरिजिन नेचरस्पायर्ड फेस वॉश फॉर पिम्पल्स. सो इसमें हमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स एंड एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं. इट इज़ फ्री फ्रॉम पैराबेंस, सल्फेट्स एंड सिलिकन्स. ऑल्सो इसमें किसी भी तरह की आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है. इट इज़ 100% वीगन, क्रुअल्टी फ्री, सॉल्ट फ्री, GMO फ्री. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसमें यहाँ पे ये ब्रश एप्लीकेटर मिलता है. सो इसको अगर हम पंप को प्रेस करेंगे ना, तो ये फेस वॉश निकलेगा. सो एक्चुअली इट्स अ फोमिंग फेस वॉश. काफ़ी जेंटल है फेस वॉश, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही सही है. मतलब इट्स नीदर टू हार्श नॉर टू माइल्ड. ये हमारे स्किन को काफ़ी अच्छे से एकदम स्क्वीकी क्लीन कर देता है. ओके, सो फेस वॉश हो चुका है, एंड यू कैन सी कि मेरा जो फेस है, माई स्किन इज स्क्वीकी क्लीन. एंड सिंस अभी थोड़ा टाइम बाकी है, तो मैं एक फेस पैक को भी अप्लाई कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन हो जाएगा. सो फॉर फेस पैक आई विल बी यूजिंग दिस ओरिजिन नेचरस्पायर्ड फेस पैक फॉर स्किन टैन, एंड इसमें है कुमकुम आदि उबटन, मुल्तानी मिट्टी एंड नीम. इट इज़ ऑल्सो फ्री फ्रॉम पैराबेंस, सल्फेट्स एंड सिलिकन्स. तो ये वाला जो फेस पैक है, इसको मैं अप्लाई करूँगी ऑन माई फेस. एंड अगर हम इसकी पैकिंग की बात करें, तो पैकिंग तो हाँ ठीक है, एक नॉर्मल सा टब पैकिंग जो होता है. सो इसको मैं अप्लाई करूँगी ऑल ओवर माय फेस, एंड फॉर 10 मिनट्स इसको मैं रहने दूँगी, या फिर थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब तक इसको रहने दूँगी. एंड उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करूँगी, एंड उसमें मैं मेरे जो आउटफिट्स हैं उसे आउटफिट को रेडी करूँगी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ. मैंने अभी डिसाइड किया नहीं है, सो लेट मी चेक दैट. एंड जो ज्वेलरी है एंड फुटवेयर एंड ऑल, सो मैं तब तक ये जो ड्राई होगा ना, तब तक मैं थोड़ा सा टाइम को यूटिलाइज़ करके ये सारी चीज़ों को रेडी करती हूँ, एंड देन आपसे मिलती हूँ. ओके, सो अब मैं अपने फेस पे थोड़ा सा सीरम अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद आई गेट रेडी. मेकअप जो है वो मैं थोड़ा सा जो करना है उसको अप्लाई करूँगी, बिकॉज स्किन केयर हो गया, स्किन केयर के बाद ही मैं हमेशा मेकअप करती हूँ. सो फॉर सीरम आई विल बी यूजिंग दिस ओरिजिन नेचरस्पायर्ड फेस सीरम. एंड ये जो है, ये जो डार्क स्पॉट्स की अगर आपको प्रॉब्लम है, तो इसे ये रिड्यूस करेगा. ऑल्सो अगर रिंकल्स की भी प्रॉब्लम है, तो उसे भी ये रिड्यूस करता है. इट हैज़ विटामिन सी एंड टर्मरिक इन इट, एंड इट इज़ ऑल्सो फ्री फ्रॉम पैराबेन, सल्फेट एंड सिलिकन. ऑल्सो इसके अंदर आपको किसी भी तरह की आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगी, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट.
Also, it is 100% vegan, cruelty-free, salt-free, GMO-free. ओके सो हेयर केयर एंड स्किन केयर दोनों ही हो गया है एंड नाउ कमिंग टू मेकअप सेक्शन. तो मैं अपने मेकअप को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमेशा प्राइमर को ज़रूर अप्लाई करती हूँ. आपको भी प्राइमर को अप्लाई ज़रूर करना है. सो फॉर दिस आई विल बी यूजिंग दिस प्राइमर फ्रॉम कलर बार. सो इट इज़ कलर बार परफेक्ट मैच प्राइमर एंड आई विल बी टेकिंग दिस लिटिल बिट ऑन माई बैक ऑफ माई हैंड. And then I'll be applying it all over my face. Okay, so I'm done with this. And now for my base makeup, I'll be using BB cream from Bellora Paris. And it is in the shade number Natural. It is very easy to blend. So, beauty blenders, if you want, you can also apply it. But here, I'm using my fingers to blend it. Now I'll be using concealer from Inside Cosmetics. So ये मैं actually सिर्फ अपने जो थोड़ा बहुत जो एक pimple spots जहाँ पे मुझे हो रहे हैं acne spots and my dark circles तो उसको थोड़ा सा hide करने के लिए मैं apply करूँगी. Now for my brows I'll be using eyebrow pencil from Blue Heaven. एंड सिंस समर का टाइम है तो मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर लूँगी ताकि जो मेरा फेस है ये जो बीबी क्रीम मैंने अप्लाई किया है तो वो बिल्कुल थोड़ा सा ग्रीसी सा लुक नहीं मिले बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ मैट लुक एंड फॉर दैट आई विल बी यूजिंग कॉम्पैक्ट पाउडर फ्रॉम ब्लू हेवन. इट इज़ इन द शेड नंबर वेनीला. नाउ फॉर माई आई शेडो आई एम यूजिंग आई शेडो पैलेट फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड मैं ज़्यादा कुछ करने वाली नहीं हूँ. मैं थोड़ा सा ये जो ऑरेंज वाला है एंड ब्राउन वाला उसको थोड़ा सा मैं इन दोनों शेड्स को मिक्सअप करके एंड आई विल बी अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई लिप्स. Now I'll be applying kajal to highlight my eyes and उसके बाद मैं apply करूँगी mascara. Kajal मैं apply कर रही हूँ Lakme का. It is from Lakme and mascara जो मैं use कर रही हूँ it is from Sugar Cosmetics. Kajal मैंने apply कर लिया है. Now for mascara I'll be using this which is from Sugar Cosmetics. So I'm done with my eye makeup and for my lips I'll be using lip crayon from Sugar Cosmetics and it is in the shade number 06 Showstopper. काफ़ी ज़्यादा natural सा shade है ये, थोड़ा सा coral and nude shade हम कह सकते हैं. Okay, so now I'm done with my makeup part as well. So let me quickly change my outfit. उसके बाद I'll see you.